Hi guys, this is Shivangi Joshi and you're watching me on TeleGlam. Shivangi, welcome to TeleGlam. Hi. Many congratulations on the show. Thank you. So, anything you want to special appearance is show. Aisa kya khas tha ye aapki special appearance is show? Kyunki mujhe kuch naya try karna tha aur मुझे पता नहीं था कि मैं वो चीज़ कितना एंजॉय करूँगी कितना नहीं करूँगी तो आई थिंक ये एक करेक्ट डिसीजन था. आई फील नाउ आई नो कि कैसे होते हैं फैंटेसी फिक्शन शूट और यू नो मुझे बहुत मज़ा आया शूट करके. तो आगे भी अगर मुझे कुछ ऐसा करना होगा तो आई विल डेफिनेटली डू इट. ये माइक तो माइथो की अलग बात होती है यार. हम और सुपर नेचुरल भी आई थिंक सुपर नेचुरल शोज़ और जितने फैंटेसी शोज़ होते हैं ये शोज़ तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनते हैं. तो ये भी एक वैसा ही शो है. हालांकि ये शो अभी तक के जितने शोज़ हैं उन सबसे थोड़ा अलग है, हटके बना हुआ है, हटके थोड़ी स्टोरी है और शूट भी जिस तरीके से किया गया है, जो VFX हैं सब कुछ थोड़ा अलग है. तो आई थिंक लोगों को एक फ्रेशनेस भी दिखेगी और मज़ा भी आएगा. बालाजी के साथ जो भी शूट करते हैं वो लीड में आना पसंद करते हैं. आपने स्पेशल अपीयरेंस दिया है, भले ही लीड में हो आप, बट आपके कैरेक्टर में ऐसे क्या खास बात है जो ऑडियंस को और ज़्यादा पसंद है? मेरे कैरेक्टर में मेरा जो कैरेक्टर है वो ही बहुत खास है. वो बहुत ही और एक तो वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. शो शुरुआत उस कैरेक्टर से हो रही है, शो की और उसकी जर्नी से हो रही है. तो इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल एंड लोगों को आई थिंक ये तो लोग ही बता पाएंगे उनको मेरे कैरेक्टर में ऐसा क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कैरेक्टर तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा है. सो आपको आपकी कैरेक्टर में एक ऐसी कोई चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा, यार मेरे लुक्स मुझे बहुत पसंद आए. तो हम लुक्स की बात करें तो इस बार लुक भी थोड़ा अलग है. तो कितना यू नो चैलेंजिंग रहा आपका कैरेक्टर इस शो में? यार ऐसे बहुत चैलेंजिंग तो नहीं बोलूँगी मैं कुछ रहा, बट जो लुक्स मैंने ट्राई किए हैं शो में, जो लुक्स मेरे हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं. मतलब वो मैंने पहले तो कभी नहीं ट्राई किए थे. तो या उन्हें कैरी करना और वो मेरे लिए थोड़ा सा था क्योंकि कुछ अलग है, पर आई एम श्योर लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे लुक्स हैं, काफ़ी मेहनत की गई उनके पीछे. मैंने आपको बता तो दिया परी है जो कि हाँ जी. गाइस बेकाबू आ रहा है 18 मार्च को, ज़रूर देखिएगा और हमें बताइए कि आप बेकाबू देख के बेकाबू हुए या नहीं.